हेलो नमस्ते आदाब। शुरू करते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइन से। ये दो बच्चे निकले अपने माता पिता में बट्टी करवाने। रिश्तों की कहानियों में आया दिलचस्प मोड़। 4 साल तक अर्चना पूरन सिंह ने छिपाई थी अपनी शादी की बात। ससुराल वाले थे वजह। अभिनेत्री दिव्या भटनागर के निधन के बाद पति पर गंभीर आरोप। घरेलू हिंसा के खिलाफ परिवार दर्ज करवाएगा केस। बिग बॉस से बोली जस्मीन, मेरा अली लौटाओ तो राहुल महाजन बोले अब तो वह दूल्हा बनकर ही वापस आएगा। नेहा कक्कड़ ने हिमेश से पूछा, क्या आपने स्विमिंग पूल में सूसू की है। कंगाल हो गई थी राखी सावंत, बोली डिप्रेशन में रही, जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपा। दोस्तों, ना ताजमहल सुंदर है, ना कुतुब मीनार, ना ऐश्वर्या और ना कटरीना। अरे फिर सुंदर कौन है। सुंदर तो है हमारे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के जेठा लाल के साले। जी हाँ, बीवी के भाई की इम्पोर्टेंस तो एक पति ही जान सकता है। वेल, मैं पायल फिर आई हूँ लेके आपके लिए खबरों का सिलसिला। हाँ, हमेशा की तरह आपको मिलेगी मसालेदार और चटपटी गॉसिप्स। जी टीवी ने पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक खास धारावाहिक तैयार किया है। सोमवार से शुरू हो रहे इस धारावाहिक की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और इससे मशहूर टीवी अभिनेत्री नेहा माडा की भी लंबे अरसे के बाद वापसी हो रही है। टीवी की मशहूर अभिनेत्री नेहा माडा लंबे समय बाद जल्द शुरू होने वाले धारावाहिक क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी से टीवी पर फिर से वापसी करने जा रही है। जी टीवी पर ये शो 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। ये धारावाहिक उन्हें घर बैठे ही ऑफर हो गया था, फिर भी खबरें आई थी कि नेहा का मन नहीं था कि इस धारावाहिक में वह काम करे। नेहा ने शो की लॉन्चिंग के मौके पर ये भी बताया कि इस सीरियल की कहानी उन्हें बहुत पसंद है और हाँ, थोड़ी देर हुई उनकी तरफ से हाँ कहने में, लेकिन एक बार शो पर काम शुरू हुआ तो अब खूब मजा आ रहा है। नेहा ने कहा, मैं एक कलाकार हूँ और अपनी कला में वापस आकर मैं बेहद खुश हूँ। धारावाहिक क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी एक परिवार की कहानी है। ये शो दो बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो अपने माता पिता के बीच होने वाली लड़ाई के बीच फिर से मिलाने की कोशिश करते हैं। वेल, ये शो की कहानी सुनकर तो लग रहा है शो जरूर अपनी जगह बना पाएगा, बाकी तो वक्त ही बताएगा। टेलीविजन के कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स अपनी जिंदगी के उन राज से पर्दा उठाते हैं जो पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन इस बार कपिल के शो में कुछ अलग ही हुआ है। इस बार अपना राज इस शो के लाफ्टर मशीन अर्चना पूरन सिंह ने खोला है। अर्चना ने बताया कि उन्होंने अपनी शादी की बात को 4 साल तक छिपा कर रखा था। दरअसल द कपिल शर्मा शो के हालिया एपिसोड में नेहा कक्कड़ अपने पति रोहनप्रीत सिंह के साथ पहुंची थी। इसी दौरान अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि परमीत सेठी के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। उनको अर्चना का अभिनेत्री होना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन परमीत अर्चना से शादी करने का फैसला कर चुके थे और वे इसके लिए अपने घर वालों के खिलाफ चले गए। अर्चना ने कहा, मैंने और परमीत ने अपनी शादी 4 साल तक छिपा कर रखी। उन्होंने कहा कि उस दौर में सोशल मीडिया नहीं होता था, वरना शायद ये बात नहीं छिप पाती। गैर मतलब ये है कि अर्चना ने पहले पति को तलाक देने के बाद दूसरी शादी की थी। वेल, ये तो आपने सही कहा, पहले सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था तो पता नहीं चला। अभी तो कोई 2 दिन भी अपनी शादी को छुपा नहीं सकता। ये रिश्ता क्या कहलाता है। फेम अभिनेत्री दिव्या भटनागर की मौत से टीवी इंडस्ट्री सदमे में है। बीते सोमवार को दिव्या भटनागर ने महज 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थी।
अभिनेत्री के निधन के बाद देवोलीना भट्टाचार्य ने उनके पति गगन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। अब दिव्या का परिवार गगन पर एक्शन लेने की तैयारी में है। दिव्या के भाई देव भटनागर ने खुलासा किया कि वे अपनी बहन के पति गगन के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करने पर विचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिव्या से शादी के तुरंत बाद ही गगन ने मानसिक और शारीरिक पीड़ा देना उन्हें शुरू कर दिया था। दिव्या के भाई ने कहा कि हमें उसकी अलमारी से एक नोट मिला, घरेलू हिंसा को लेकर उसने पुलिस से संपर्क किया था। 16 नवंबर को उसने शिकायत दर्ज कराई थी जब वह अस्पताल में भर्ती थी, तो मैंने उसे मजबूत बने रहने के लिए कहा, हमें उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएगी। इस वक्त मेरी माँ पूरी तरीके से टूट रखी है, पूरे परिवार के लिए ये बेहद दुख भरा समय है, हम उम्मीद करते हैं उन्हें जल्द ही न्याय मिले। जैस्मीन के लिए अली गोनी के बिना बिग बॉस के घर में एक पल गुजारना भी मुश्किल हो रहा है। तभी तो उन्होंने बिग बॉस से रिक्वेस्ट की है कि अली को घर में कंटेस्टेंट बनाकर भेज दिया जाए। अली गोनी जब से बेघर हुए हैं तब से जैस्मीन बसीन उन्हें पल पल याद कर रही है। हाल ही के एक एपिसोड में जैस्मीन तो अली को याद करके रोने ही लग गई थी। वेल मेकर्स ने आने वाले एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया है जिसमें जैस्मीन बिग बॉस से अली के लिए गिड़गिड़ाते नजर आ रही है। जैस्मीन बिग बॉस से कहती है, मुझे मेरा अली लौटाओ, उसको कंटेस्टेंट बनाकर भेजो। राहुल महाजन वही गार्डन एरिया में बैठे थे और वह जैस्मीन की बात सुनकर कहते हैं, अब तो वह दूल्हा बनकर ही आएगा। ये सुनकर जैस्मीन शर्मा जाती है और हंसने लगती है। हाल ही जब बिग बॉस के घर में चैलेंजर्स की एंट्री की गई तब जैस्मीन ने विकास गुप्ता और कश्मीरा शाह के साथ बातचीत में कबूल किया था कि वे अली से प्यार करती है और दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा आगे क्या होगा और क्या नहीं। वेल, हमें तो आप दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इंडियन आइडल 2020 शुरू हो चुका है। शादी के बाद अब नेहा कक्कड़ ने 12वें सीजन की शूटिंग भी शुरू कर दी है। नेहा कक्कड़ शो के जज हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी के साथ मिलकर खूब मस्ती मजाक भी कर रही है। हाल ही नेहा ने इंडियन आइडल 12 में नेहू का गेम शो नाम से एक गेम खेला जिसमें उन्होंने हिमेश और विशाल से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसे सुनकर विशाल के मुंह से छींक छींक निकल गया। मेकर्स ने आने वाले एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया है जिसमें नेहा कक्कड़ हिमेश रेशमिया से पूछती है, क्या आपने स्विमिंग पूल में सूसू या पॉटी की है? यह सुनकर हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी दंग रह जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाद में हिमेश नेहा से कहते हैं, तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी रोहन प्रीत सिंह से। वेल, ये सब मजाक मस्ती तो चलती रहती है। अपने बोल बिंदास अंदाज और बयानों के लिए चर्चित राखी सावंत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वह कभी इतने बुरे दौर से गुजर चुकी है। लेकिन हाल ही राखी ने बताया कि कैसे एक वक्त पर वह कंगाल हो गई थी और कैसे किसी गरीबी से उन्हें धोखा देकर सब कुछ हड़प लिया। बिग बॉस 14 में उनकी एंट्री हो चुकी है और मुख्य घर में भी वह जल्द ही जाएंगी। हाल ही राखी ने बताया कि वह बिग बॉस 14 क्यों कर रही है। राखी सावंत ने कहा कि वह बिग बॉस 14 इसीलिए कर रही है क्योंकि वह कंगाल हो गई थी और पैसों की सख्त जरूरत थी। राखी ने बताया कि मैं बॉलीवुड में आने का दूसरा मौका चाहती हूँ, मैं ट्रॉफी जीतना चाहती हूँ, मैं हमेशा से ये शो जीतना चाहती थी पर मेरे करियर में कभी ऐसा मौका आया ही नहीं। इस बार बिग बॉस 14 जीतना चाहती हूँ, प्राइज मनी भी बहुत ज्यादा है, 50 लाख। वेल, ये तो वक्त ही बताएगा आप जीतती है या नहीं, पर आपके आने से बिग बॉस में बहुत सारा तमाशा और एक्साइटमेंट जरूर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं पायल फिर लौटूंगी आपके लिए ऐसी ही चटाकेदार और मसालेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल टेली मिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।